झारखंड राज्य के औद्योगिक नगर जमशेदपुर के आदित्यपुर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में एक जंगली तेंदुए के मूवमेंट को देखा गया है। इस सीसीटीवी फुटेज पे आप देख सकते हैं किस तरह से जंगली तेंदुआ पूरे रिहायशी क्षेत्र में विचरण कर रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यह तेंदुआ कहाँ पर रहता है और कहाँ पर इसके फुटप्रिंट और एविडेंस मौजूद हैं। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे एविडेंस दिखाने वाला हूं। जिस तरह से इस फोटो पे आप देख सकते हैं तेंदुए के पगमार्क बिल्कुल साफ तरीके से दिखाई दे रहा है और यही एक बंद पड़ा हुआ बहुत ही पुराना कारखाना है जहां पे तेंदुए के मूवमेंट को कैप्चर किया गया था। जानकारी के अनुसार इसी कारखाने में तेंदुए ने पूरे दिन गुजारा है और यहाँ पर वो अपना ज़्यादा समय व्यतीत किया है। तो चलिए मैं आपको कारखाने के अंदर में लेके चलता हूँ। एक बंद पड़ा हुआ कारखाना है और यहाँ चारों तरफ इसके जो अवशेष हैं वो बिखरे पड़े हैं और इन्हीं में कहीं पे भी तेंदुआ मिल सकता है, तो हम भी यहाँ पे अपना सर्च शुरू कर चुके हैं। तो चलिए मैं आपको धीरे धीरे इस कारखाने के अंदर में लेके चलता हूँ। ये चारों तरफ से इसी तरह से कचरे के ढेर में और झाड़ियों में तब्दील हो चुका है, तो यहाँ पे तेंदुआ कहीं भी छिपा हो सकता है। दोस्तों, अगर आप भी तेंदुए के बारे में पूरी जानकारी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम दिन से लेकर रात तक इस तेंदुए को ट्रैक करने वाले हैं और यहाँ पे तेंदुए के बहुत सारे एविडेंस मौजूद है। जैसे कि ये पगमार्क आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल ताज़ा है और बीते रात यहाँ पर तेंदुआ को देखा गया था। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं और आज पूरी रात यहाँ पे हम गुजारने वाले हैं और अगर तेंदुआ हमें दिख जाता है तो आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखते रहें, सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। यहाँ जो मलबा बिखरा पड़ा है, इन मलबों पे तेंदुए के फुटप्रिंट को देखा जा सकता है और बिल्कुल साफ तरीके से यहाँ पे पगमार्क मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि आज रात को यहाँ पे तेंदुआ रुका था और आज भी यहीं पे कहीं भी आसपास में ही वो अपना डेरा जमाए हुए हैं। ये संभावना जताई जा रही है जिस कारण बहुत ही सावधानी से हम धीरे धीरे पूरे ही क्षेत्र को खोजने वाले हैं और यहाँ पे जांच करने वाले हैं। ये देख सकते हैं किस तरह से यहाँ चारों ओर झाड़ियाँ उग चुकी हैं और जो प्लांट के अवशेष हैं वो यहाँ पे कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। यहाँ पे तेंदुआ कहीं भी रुक सकता है और शाम होते ही तेंदुआ के मूवमेंट को यहाँ पे देखा जा रहा है। यहाँ इंडस्ट्रीज में लगी हुई जो सीसीटीवीज हैं उन पे तेंदुए के मूवमेंट को आसानी से देखा जा सकता है और अक्सर तेंदुआ इसी फैक्ट्री से निकल के आगे अलग अलग क्षेत्रों पर विचरण कर रहा है, अलग अलग फैक्ट्रियों पर जा रहा है। यहाँ से तेंदुआ पार किया था दोस्तों, यहाँ पे पगमार्क मौजूद है, इसी खिड़की से तेंदुए ने एंट्री मारी थी और सामने पूरी झाड़ी है। अब हम यहाँ से निकल के आसपास के क्षेत्र में भी जाने वाले हैं। यहाँ हमें तेंदुए के बहुत से एविडेंस मिले हैं पर अभी तक हम तेंदुए को नहीं देख पाए हैं, पर हमने अपनी तलाश जारी रखी है और यही वो क्षेत्र है जहाँ पे तेंदुए को फर्स्ट बार देखा गया था और यहाँ के सीसीटीवी में वो कैप्चर किया गया था। ये जगह आप देख सकते हैं झाड़ियों से भरा हुआ है और अब शाम ढल चुकी है। दोस्तों, हम इंडस्ट्रीज के बाहर गेट पे खड़े हैं, यहीं पे तेंदुए आने की संभावना रहती है और अक्सर यहीं पे तेंदुआ आया था। रात के समय हम उसी फैक्ट्री के अंदर में पहुँचे हैं, देख सकते हैं कितनी डरावनी जगह है और यहाँ अभी हम तेंदुए को खोज रहे हैं। कहीं भी उसकी कुछ आहट मिलती है तो आगे विभाग के लोग भी मौजूद हैं जो अपनी पूरी टीम के साथ में यहाँ पे पहुँच चुके हैं और उसे सुरक्षित बचाव करके किसी सुरक्षित स्थान पे छोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ अलग अलग फैक्ट्रियाँ हैं दोस्तों, यहाँ पे अभी हम रात के समय पे इंडिगो कंपनी पे पहुंचे हैं पर अभी तक हमें तेंदुआ दिखाई नहीं पड़ा। ढूंढते ढूंढते सवेरा हो चुका है,
हमने अपनी तलाश जारी रखी है, पर आज कहीं पे भी तेंदुए का कोई मूवमेंट हमें नहीं मिला है। यह बिल्कुल शहर के बीचों बीच है और यहाँ पे रिहायशी इलाका बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ अलग अलग जगहों पे लगे सीसीटीवी कैमरों पे जो तेंदुआ है उसका मूवमेंट को देखा जा रहा है। ये एक दूसरा सीसीटीवी फुटेज में आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी तेंदुआ कुछ इस तरह से चलते हुए दिखाई पड़ता है। हमने इन सभी जगहों को रात को भी देखा है, पर हमें कुछ अभी तक साक्ष्य नहीं मिले हैं। पर दोस्तों, हमने अपना जो तलाश है वो जारी रखा है और नेक्स्ट वीडियो पे आपको हम आगे की ओर जानकारी दिखाएंगे, यहाँ किस तरह से तेंदुए को ट्रैक किया जा रहा है। विभाग के तरफ से अपनी जो टीम है वो यहाँ पे पूरी लगाई जा चुकी है। जमशेदपुर के आसपास बहुत से बड़े पहाड़ और घने जंगल मौजूद हैं। यहाँ कुछ ही दूरी पे दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मौजूद है, तो संभावना जताई जा रही है कि ये जो तेंदुआ है वो जंगल से निकल के रिहायशी इलाकों में पहुँचा है। पर इस तरह से रिहायशी इलाकों में जंगली तेंदुए का पहुँचना एक बहुत ही चिंता भरी बात है और इसका पता लगाना बहुत ज़रूरी है, साथ ही इसे सुरक्षित बचाव करके किसी बड़े जंगल पे छोड़ देना जरूरी है। हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ पे।